हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं एज एन अकाउंटेंट, तो आपको कभी ना कभी कैश संभालने के लिए ज़रूर दिया जाता होगा, जिसको पेटी कैश बोलते हैं। इसमें डेली बेसिस के जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको आपको बुक करना होता होगा। एंड अकाउंटेंट को ये पता भी होना चाहिए कि हम जो भी पेटी कैश संभालते हैं उसको हैंडल, उसको मैनेज करने का क्या तरीका होता है। तो उसके लिए हमें एक डे बुक चाहिए होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक डे बुक है जिसमें हमें ट्रांजेक्शन कैसे लिखनी होती है। जिसमें आप देख रहे होंगे दो साइड है, एक पेमेंट साइड है जिसमें हम पेमेंट्स लिखते हैं, और एक साइड है रिसीट जिसमें हमें कोई रिसीट सारी लिखनी होती है। इस डे बुक को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमने स्टेशनरी की शॉप से आपको ये मिल जाएगा, इसको डे बुक ही बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग मंथ, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो मंथ डाल दीजिए। देन उसके बाद टू करके आप डैश कर दीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कब तक चलने वाली है। क्योंकि होता है कभी कभी कि कभी किसी दिन की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपका वो दो पेजेस लेके चला जाता है, और हो सकता है कभी कभी ट्रांजेक्शन कम है तो एक एक पेज पर वो कम्प्लीट होता जाता है। जब उसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपको ऐसा नज़र आएगा ये डे बुक। यहाँ पर पतले पतले से कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है। देन उसके बाद ये वाला जो साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर रिसीट होता है। तो जो भी आपका पिछले दिन का बैलेंस, आपने जो भी रखा हुआ है उस बैलेंस को आपको यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है। लाइक लास्ट डे का बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, इसी बैलेंस को आपको यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। लाइक देखिए, जैसे मैंने यहाँ का सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखने के बाद जो लास्ट बैलेंस बचा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया बैलेंस सीडी, यानी कैरी फॉरवर्ड। उसी बैलेंस को हम जब नेक्स्ट पेज पर लेकर आए, नेक्स्ट डे में लेकर आए, तो उसी बैलेंस को हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी बीडी। अब इसके बाद यहाँ पे जितनी भी आपको रिसीट्स हुई हैं, मतलब जितना भी आपने पैसा लिया है वो आप यहाँ पे लिखते जाइए। एंड उसके बाद इस साइड पे आपको पेमेंट साइड, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है पेमेंट। आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, लाइक आपने किसी को स्टेशनरी लाने के लिए पैसे दिए, या आपने किसी को कुछ भी स्टाफ वेलफेयर के लिए कुछ लेकर आने के लिए दिए, तो आप वो यहाँ पे अमाउंट लिखते जाइए। या आपने किसी को एडवांस दिया तो भी आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। उसका नाम लिखने के बाद आप ब्रैकेट में एडवांस करके आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे उसका अमाउंट लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस करे हैं काफ़ी सारे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी स्टाफ वेलफेयर हो गया, स्टेशनरी हो गई। तो ऐसे ही करना है आपको, एक साइड रिसीट है और दूसरी साइड पेमेंट है। आपको एक साइड पे रिसीट लिखते जाने हैं, दूसरी साइड पे पेमेंट लिखते जाने हैं। पेमेंट लिखने के बाद जब पूरा लिख देते हैं तो लास्ट में आपको बैलेंस सीडी लिखना है, मतलब जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट डे के लिए। तो और यहाँ पर इन दोनों का टोटल करना है जो कि सेम होना चाहिए, और जो भी बैलेंसिंग आएगा आपको कैरी फॉरवर्ड में डालना होगा। और जो बैलेंस आपका ये कैरी फॉरवर्ड है वो नेक्स्ट डे आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको खर्चे लिखने कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आदित्य नाम के लड़के को एक स्टेशनरी के लिए मैंने कुछ पैसे इशू करे, लाइक मैंने उसको 1000 रुपीज़ दिए। उसने उस 1000 रुपीज़ में से पूरा खर्चा नहीं करा, उसके कुछ पैसे बच गए, उसने मान लीजिए खर्च किया 940, तो मैं ब्रैकेट में 940 लिखूंगी, और उसने मुझे फिर 60 रुपीज़ रिटर्न किए होंगे, तो मैं रिसीट साइड पे आदित्य रिफंड करके सेम डेट पे लिख दूंगी 60 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1000 रुपीज़ लेकर गया था, बट उसने मुझे उसमें से 60 रुपीज़ रिटर्न कर दिए। अब जब भी आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, तो आपको ब्रैकेट वाले अमाउंट को इग्नोर करना है। ब्रैकेट वाला अमाउंट इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पता रहे कि कितना खर्चा हुआ है और उसमें से कितना आपको रिफंड आना है बाकी है अभी तो। और लेकिन आप जब टोटलिंग करेंगे, जब इसको टोटल करेंगे, तो आपको ब्रैकेट वाले अमाउंट को टोटल नहीं करना है, यहाँ पे आपको रिसीट का टोटल करना है, यहाँ पे आपको टोटल लिखना है, देन यहाँ पे पेमेंट्स का टोटल करना है। पेमेंट वाले में आपको ब्रैकेट वाले अमाउंट को इग्नोर करके चलना है। पेमेंट का टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा आपका यहाँ पर, आपको उस अमाउंट को यहाँ के रिसीट के टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है, और जो भी अमाउंट बचेगा आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखना है। मतलब आपका रिसीट साइड का टोटल और पेमेंट साइड का टोटल दोनों सेम अमाउंट होना चाहिए, और जो भी बैलेंस बचता है उसमें से आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में लिखना है। लेकिन मेक श्योर कि आपका डेबिट पेमेंट और रिसीट का जो भी टोटल कर रहे हैं वो सेम लिखें, और जो भी डिफरेंस आएगा आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में लिखना है, और यही कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे का ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब आपके पास वो पैसे अभी बचे हुए हैं, आप वहाँ पर उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डेट डाल दीजिए, एंड देन उसके बाद अगेन वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए जैसे आपने बैक डेट पर स्टार्ट किया था। देन उसके बाद आपको सिंपली पेमेंट और रिसीट का टोटल करना है जो कि सेम होना चाहिए, और जो भी बैलेंस बचता है उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में डाल दीजिए, और उसी बैलेंस को नेक्स्ट डे पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ समझ में भी आई होगी।
फिर भी आपके कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।